व्यूअर्स, आज है 6 अप्रैल और समय हो रहा है 6 बजे। अरे वाह, क्या सही कम्बिनेशन है, 6 अप्रैल और 6 बजे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। अब ये थोड़ी देर पहले दोपहर को गए थे और ये फ्रूट लेकर आए हैं, ये पपीता ले आए हैं, अभी ऑरेंज पड़े हुए हैं और ये बहुत सारी ककड़ी लेकर आए हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें लाए हैं मैंने। बिस्कुट लाने को उनको बोला था, वो नहीं लाए। दूध ले आए थे सुबह, तो मैंने बोला था बिस्कुट भी ले आना, पर वो नहीं लाए। कह रहे अभी रस पड़े हैं, ब्रेड पड़ी है, उसे काम चला लो। तो ये अब केले हम इनको कह रहे हैं धो के रखो, इसको भी धो के रखो, इसको भी धो के रखो। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के हाथ लगे होंगे, किसके हाथों में कौन सा कीटाणु होंगे, कुछ नहीं पता। अब केले कैसे, कोयले भी धोने पड़ेंगे क्या है ये? चलो धोती हूँ अभी। कैसे हो आप? 6 तारीख 6 बजे, क्या कम्बिनेशन है टाइम का। और इस समय किचन में आ गई हूँ मैं। शाम की चाय हो गई हमारी, दोपहर का खाना हो गया था, शाम की चाय हो गई। इस चाय के साथ थोड़े से मखाने पड़े थे, वही मैंने कर लिए, घी में बना लिए और साथ में रस खाए। और क्या खाना है, सुबह ब्रेड खाई थी और रस खाए थे और इस समय और ये खाए। अभी मैंने ड्रम में से कुछ सामान निकाल कर डालना भी है, मेरे को डालना है। ये देखो क्या क्या सामान ख़त्म है। एक तो मेरे को देखना है कि हाँ, बेसन, बेसन डब्बे में डालना है और देखती हूँ। और मखाने शायद पड़े हैं डब्बे में थोड़े, मैं देखती हूँ क्या करना है। और जो बाहर से नमकीन लाए थे ना, दो दो अलग वैरायटी, वो सारा खत्म हो गया। थोड़ा सा इतना सा बचा डब्बे में, एक डिब्बा भरते हैं वैसे अगर तो शाम तक खत्म हो ही जाता है। एक डिब्बा इतना बड़ा भर लेते हैं, शाम तक खत्म हो जाता है सब। थोड़ा थोड़ा 4 कटोरियों में डल गया तो काम खत्म। ठीक है, और अभी जो है ना, ये मैं किचन में बर्तन धो रही थी 2 मिनट पहले, दोपहर के बर्तन। किचन सिंक खाली हो गया और ये जो है ना पानी का गिलास इन्होंने मेरे को पकड़ा दिया है। सुबह आज नहीं पिया, क्योंकि अगर ये चाय बनाते हैं ना तो पहले नींबू वाला पानी दे देते हैं। जब कभी ये क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, तो उसके बाद फिर सो जाते हैं दोबारा। तो मैं इनको उठाती नहीं, फिर चाय में बनाती हूँ। ठीक है, और फिर चाय में बनाती हूँ तो मैं पानी जो है ना गर्म नींबू वाला नहीं पीती, क्योंकि मुझे पता है इनमें तो पकड़ा ही देंगे। अभी इन्होंने पकड़ाया था, पर ये पकड़ाया है सिंपल वाला गर्म पानी, मुझे थर्मस में भर के रखा होता है। और साथ में पता, अभी अभी काट के लेके गए ये वाले, ये क्या कहते हैं, देखो ये काट के, ये अनानास 2 लाए थे ना, ये दूसरा है, सबको काट के दे दिया, मेरे को भी दे गए इतना। अब फिर वही गर्म पानी और अनानास, ठीक है, वही कम्बिनेशन कल वाला ही हो गया। तो पहले मैं पीती हूँ गर्म पानी, बाद में खाऊंगी ये। ठीक है, गर्म पानी ठंडा हो जाएगा ना फिर, तो मैं कहा 2 मिनट बाद भी कर लेती हूँ। और अभी तो ये फ्रूट संभालने पहले, सबसे पहले मुझे, उसके बाद मैं सोचती हूँ फ्रिज में से निकाल के कुछ, ये फ्रिज में से नहीं, ये इसे डब में से निकाल के कुछ सामान डालती हूँ, क्योंकि रोज ही रह जाता है। उसके बाद कुछ और नया बनाने वाली हूँ आज, वो मैंने काट के सामान रखा हुआ है, अभी बनाते हैं उसको भी। ठीक है, और फिर रात के खाने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ रात को ना मशरूम पड़े हुए, मशरूम की सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि पालक वैसे थोड़ी पड़ी है, पर 2-3 दिन से लगातार पालक खा के पक गए। तो आज बनाएंगे मशरूम की थोड़ी रसमी सी सब्जी और साथ में रोटी। ठीक है, कल मैंने क्या बनाया था रात को, कल मैंने बनाए थे दाल चावल, चने की दाल में पालक डाल के बना दी थी। पालक तो खत्म करनी, अभी भी पड़ी है थोड़ी सी, उसको मिक्सी में ग्राइंड करना है, उबाल के रखी हुई है तो उसको मिक्सी में ग्राइंड करना है, जब बनानी होगी तभी ग्राइंड कर लूंगी। पर कल मैंने चने की दाल में पालक डाल के बनाई, तो बच्चों से पूछा रोटी खानी चावल, कहते हैं हम खाएंगे चावल। मैंने कहा ठीक है, मेरा क्या जा रहा, चावल खा लो। साथ में फिर खूब सारा सलाद काट लिया था मैंने, तो सलाद खा लिया था, मैंने चावल थोड़े खाए थे। बच्चे कहते हैं आप चावल नहीं खाओगे, तो मैंने 3 कड़छियाँ थोड़ी छोटी छोटी ले ली थी, साथ में मैंने सलाद खा लिया था बहुत सारा। ठीक है, तो बस अब चलो काम पे लग जाते हैं, शाम का टाइम है, काम पे लग जाओ। बच्चे भी अपने काम पे लग गए, पहले थोड़ी देर सो रहे थे दोनों, और उसके बाद चाय दिए, तो चाय के साथ उठ के दोनों अपने स्टडी टेबल पे पहुंच गए। क्या होता है ना, दोनों की क्लासें होती हैं, फिर असाइनमेंट मिल जाता है, फिर वो करके सबमिट भी कराना होता है टाइम पे, तो दोनों ही लग गए अपने काम पे। ठीक है, और इसके पापा को मैंने पकड़ा दिया वो मटर, जो पीछे पड़े हुए थे ना मटर, जो लाए थे 20 रुपये जार से, वो मैंने बोला छील दो बैठ के, वो पता मरुंडी से बन गए बेचारे, 1-2 दिन में ही मरुंडी बन गए। वीरवार की रात को लाए थे तब थोड़े ठीक ठाक थे, अब सूख रहे हैं। मैंने कहा फटाफट कर दो, नहीं तो बेकार हो जाएंगे। कहते पानी छिड़क देना, मैं कहा पानी से वो और गल जाएंगे, छिड़कने का कोई फायदा नहीं है। चलो जल्दी से करो काम, और वीडियो लंबी हो रही है, मैं कर लेती हूँ काम। कढ़ाई मैंने रख दी है, मैं बना रही हूँ ब्रोकली का सूप, और एक अलग तरीके से बना रही हूँ। इसका सारा मटेरियल तैयार है, ब्रोकली धो के काट ली है, एक आलू बड़ा लिया है, उसको धो लिया और इसमें पानी डाल दिया काट के। ये प्याज है, लहसुन है, ठीक है, इसमें दूध भी डलेगा, जीरा, और ये आपकी कलौंजी, इसमें कलौंजी है। ठीक है, बाद में चाट मसाला भी डालूंगी। हाँ, ये चाट मसाला है। और पता है क्या, अभी बस
गैस पे रख दिया स्लो पे, और ये सारे फ्रूटों को नहला दिया मैंने अच्छे से और अलग अलग करके कर दिया। देखिए मिर्चे भी ले आए ना, मिर्चे मेरी ख़त्म हो रही थी, और ये ले आए हरा, वो क्या कहते हैं हरी, वो लौकी, लौकी नहीं तर होती है जो, ककड़ी ककड़ी वो ले आए हैं। ठीक है तो चलो शुरू करते हैं बनाना इसको। ये इसका पानी सारा सूख जाएगा तो मैं इसको सही जगह पे रख दूंगी फ्रूट्स को। पहले ये वाला काम कर लेते हैं, थोड़ा सा घी डाल देते हैं, इसी में मखाने बनाए थे मैंने इसलिए मैं इसी कढ़ाई को यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है कुछ सामान को साइड करते जाओ साथ के साथ। इसमें डालती हूँ थोड़ी सी मैं कलौंजी, ठीक है क्योंकि कढ़ाई मेरी पहले ही गर्म थी, देखिए चटकना शुरू हो गया, हो रहा है ना, कढ़ाई गर्म ही थी। जीरा डाल दिया मैंने थोड़ा सा, ये देखो दोनों डाल रहे ना। इसमें डालूंगी लहसुन, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में नहीं काटा क्योंकि बाद में सारा कुछ मिक्सी में ग्राइंड होने वाला है, इसलिए मैंने छोटे टुकड़ों में नहीं काटा है, मिक्सी में हो ही जाना है। आपके पास हैंड ब्लेंडर तो आप इसी में ऐसे करके कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है वैसे, पर मिक्सी में सारा सामान डाल के फिर इसमें करना पड़ेगा मुझे। तो इसको अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं पहले, हल्का सा मतलब कर लेते हैं। आज वाला जो ब्रोकली है ना, ब्रोकली का सूप ये अलग है, जो मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी ब्रोकली के सूप की वो अलग थी क्योंकि उसको उसमें बादाम डाले थे, उसका बनाने का तरीका अलग था, इसका थोड़ा अलग है, इसमें दूध डलेगा। ठीक है तो चलो ये हो रहा है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। ठीक है प्याज डाल दिए, बर्तनों को साइड करते जाओ। ब्रोकली सबसे लास्ट में डलेगी क्योंकि वो जल्दी से जल्दी हो जाती है। अब पहले हम ब्राउन ये प्याजों को करेंगे ब्राउन, गैस इस समय मेरी तेज भी है। ठीक है आधी ब्रोकली आज बना रही हूँ, आधी फिर कल कल या परसों, बच्चे जैसे कहेंगे, उनको ना उबाल के ज़्यादा अच्छी लगती है, अभी मुझे उबाल के नहीं अच्छी लगती, मतलब वो देखने में अच्छी लगती है पर स्वाद में इतनी अच्छी नहीं, वो फिक्की सी होती है। और यह है कि सूप में तो आप अपनी मर्जी से चीज़ें डाल लेते हो ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। प्याज भी मैंने मोटा मोटा ही काटा है क्योंकि ये ग्राइंड ही होना है सारा। ठीक है थोड़ा सा इसकी खुशबू आने लग गई है, प्याज की महक आती है ना तो अच्छा लगता है। इसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी और आलू डालूंगी। ठीक है आलू जब तक उबलेंगे अच्छे से, जब तक आलू गलेंगे नहीं तब तक उसको हम करेंगे 5 मिनट तक तो करेंगे कम से कम, फिर उसको चेक कर लेंगे कि आलू गले कि नहीं। लास्ट में ब्रोकली डालेंगे और फिर ब्रोकली को भी 2-3 मिनट रखेंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको मिक्सी में मिक्स करेंगे। ठीक है ये देखिए इसमें टमाटर इसलिए नहीं डालने कि टमाटर खट्टे होते हैं क्योंकि दूध डालना है ना, आलू हम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी बने, इसलिए आलू डाल रहे हैं। तो आलू डाल रही हूँ मैं अभी, उसके बाद पानी डालती हूँ। ठीक है मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ इसलिए थोड़ा सा ना दोनों चीज़ें एक साथ करना मुश्किल होता है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करेगा शेयर कीजिएगा, अगर आप लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, मुझे पता नहीं लगता ना कि किसी को पसंद आती है कि नहीं आती। ठीक है चलो मैं सोचिए वाला काम करने के बाद सूप बना लेते हैं, फिर मैं ड्रम से निकाल के सामान डालूंगी और मशरूम भी बनाने हैं, अट्टा भी भूनना है, काम बहुत सारे हैं। ठीक है और ड्रम से सामान भी निकाल के डाल लूँ, बहुत सारे काम हैं करने, अब चिकन नहीं लगे रहते थोड़ी देर स्लो कर दी गैस। ये देखिए आलू गल चुके हैं, मैंने एक टेस्ट करके देख लिया आलू गल गए, मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ इसमें। ठीक है थोड़ा सा आइडिया से डाल रही हूँ, नमक डाल दिया है, बाकी अब जो है ना हाँ इसको हिला लेते हैं, फिर नमक एक ही जगह ना हो जाए। ये गल चुके हैं, मैंने इसमें हरी मिर्च भी एक बड़ी काट के डाल दी, अभी आ गई ना मेरे पास हरी मिर्चें धोई है मैंने, तो मैंने कहा एक काट के डाल ही देती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रोकली। ठीक है ब्रोकली को ज़्यादा देर फॉक में नहीं रखना है, बस ब्रोकली डाल देते हैं। ठीक है ब्रोकली डाल रही मैं, डल गई सारी ब्रोकली, इसको हिला देते हैं और 2-3 मिनट तक इसको रखते हैं, इसको हिला देते हैं ताकि इसकी थोड़ा गर्म जल्दी गल जाती है ना। चलो ये लो ब्रोकली डाल दी मैंने, 2-4 मिनट इसको रख दे, 2-3 मिनट रखती हूँ इसको, फिर गैस बंद करूँगी, फिर इसको मैं ठंडा होने दूँगी और ठंडा थोड़ा सा ठंडा होगा फिर मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर मिक्स करूँगी। प्याज ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया सारा। ठीक है अब डाल देते हैं इसमें, ये लो सारा डाल दिया,
थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, डालती हूँ मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, ठीक है। तो इसमें इसको हिला देती हूँ, इसमें पहले थोड़ा सा तो वो इसका ऑलरेडी पानी था, ये देखो मैं उसको मैं पानी डाल के उसको हिला के डालती हूँ, फिर इसमें डालूँगी मैं, अभी बताती हूँ। नमक पहले डाल दिया था, दोबारा बाद में चेक कर लेंगे नमक तो, और इसमें डालेंगे फिर हम काली मिर्च और मैं चाट मसाला डालूँगी। गैस स्लो कर देती हूँ, इसमें पानी डालती हूँ पहले मैं ला के। हेलो व्यूअर्स, देखिए पानी ऐड कर दिया है मैंने इसमें, अब इसका इस्तेमाल मैं करूँगी तड़का मिक्स करने में। वो तड़का जो है ना मैंने उसको भी लगाना है, क्या कहते हैं, एक मिनट, चम्मच कहाँ गया मेरा, हाँ वो मैं लगाऊंगी तड़का उसको। थोड़ा सा चाट मसाला मैं सोच रही हूँ डाल देती हूँ पहले, ठीक है, इस अंदाजे से। उसके बाद थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालती हूँ, देखिए इतनी डाल रही हूँ, थोड़ी सी और डाल देती हूँ। चलो काली मिर्च डल गई, दोनों चीज़ें डाल दी मैंने, और इसको पहले हिला ले, अभी दूध भी मिक्स करना है, इसमें बॉयल आता है तो करती हूँ मिक्स, ठीक है, पतला पतला हो गया ना, आलू सारे मिक्स हो गए ना इसमें, तो आप देखो अच्छा लग रहा है। इसमें ना थोड़ा सा बॉयल आएगा तो मैंने डालना है इसमें आधा कप दूध, तो बॉयल आने देते हैं फिर डालते हैं, तब तक मैं इसमें, ये देखिए बॉयल आ गया, अच्छे से बॉयल हो रहा है, मैं थोड़ा दूध डाल देती हूँ, ये देखिए आधा कप के करीब, एक कप के करीब दूध डालना है, और उसको मिक्स कर लेते हैं, हिला लेते हैं, फटना जाएगी। ये देखिए ग्रेवी में कलर आ गया ना, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से उबलने देते हैं, बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद मैं टेस्ट करके देखूंगी कैसा टेस्ट है, जिस भी चीज़ की कमी दिखी वो मैं डाल दूंगी फिर, और उसके बाद मैं सर्व कर दूंगी फिर, ठीक है। बस बन गया, बॉयल होने देते हैं, ठीक है, चलो मैं मिलती हूँ। देखिए मेरा ब्रोकली का सूप है, मैं इसको पीने लगी हूँ, टेस्ट करके बताती हूँ, मैंने टेस्ट किया अच्छा है। और अब इस तैयारी हो रही है मशरूम की सब्ज़ी की, तो मैं इसमें सोच रही हूँ आलू भी डाल लेती हूँ और शिमला मिर्च भी डाल लेती हूँ, और बाकी जो है टमाटरों को मैं मिक्स कर लूँगी उसमें मिक्सर में, पर प्याज वे आज ऐसे डालूँगी तो अच्छे लगेंगे, क्योंकि हल्की सूखी सूखी सब्ज़ी बनानी है मुझे, ज़्यादा रसमिसी नहीं बनानी, सूखी सब्ज़ी बनानी है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि बस टमाटर को इसमें, टमाटर अदरक लहसुन को कर लूँगी बस, बाकी प्याज ऐसे ही डालूँगी, ठीक है। तो चलो पहले तो मैं ये सूप इन्जॉय करती हूँ, उसके बाद ही बता दूँगी। उसका काम तो हो गया ख़त्म, किसका, सूप का, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, या आधा बाउल एक्स्ट्रा था जो मैं सबको बांट के आ गई हूँ, तो वो तो खाली हो गई, कढ़ाई खाली हो गई है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाती ना, उतना ही बनाती जितना फट से ख़त्म हो जाए। और दोनों बच्चों के रिव्यू नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग कमरे में बैठे और दोनों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वो बिल्कुल बीच में बात नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं उनकी रिव्यू नहीं ले पाया। कि पापा का लिया है, वो कह रहे थोड़ी सी मिर्च तेज है, थोड़ी सी, ठीक है, और मेरे को लग रहा था कि नमक थोड़ा कम है, तो मैंने अपने में तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था अपने बाउल में, ठीक है, और उन्होंने किसी ने बोला नहीं, अब चलो पैसे भी ख़त्म ही हो गया, अब क्या ना, सारे ख़त्म, इतना सा मेरे को मिला है, थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है। तो चलो अब मैं मिलूँगी कल आपसे, अब मैं करूँगी अपनी सब्जी की तैयारी, उसके बाद मैंने गूंदना आटा, ठीक है, ये दो काम मेन करने हैं, और मैं मिलूँगी कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिल सकें, ठीक है। चलो मिलती हूँ कल आपसे, बाय।